नमस्कार, मैं हूं कुमार हर्ष और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। आपको बता दें कि वर्षों से चली आ रही एक प्रथा जो कि दीपावली के समय और छठ पूजा के वक्त जो कुम्हारों के द्वारा स्वनिर्मित जो वस्तुएं होती थी, चाहे वो दिया की बात हो, चाहे विभिन्न प्रकार की माटी की जो वस्तुएं होती थी जो कुम्हार अपने हाथों से उसे आकार देकर निर्माण किया करते थे, आज वो प्रथा कहीं ना कहीं विलुप्त होती दिखाई दे रही है। वजह ये कि हम और आप चाइनीज वस्तुओं को बढ़ावा दे रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, चाइनीज वस्तुओं को बढ़ावा देने से ये कहीं ना कहीं इस प्रथा का विलोम नज़र नहीं आ रहा है। आज कहीं ना कहीं ये विलुप्त होती जा रही है। फलस्वरूप कुम्हारों की भी स्थिति बद से बदतर है। ना सरकार ध्यान देती है और ना ही जनप्रतिनिधि। आज हम जम्मू ज़िले के एक ऐसे कुम्हारों के एरिया में आए हुए जहां हम आपको ज़मीनी खबर दिखाएंगे कि क्या कुम्हारों की स्थिति क्या वाकई दिन प्रतिदिन विकसित होती जा रही है या फिर वो और भी ज़्यादा डल यानी ज़मीनी कगार पे चली जा रही है। हम कुम्हारों से बातचीत कर आपको बताना चाहेंगे। एक छोटी सी रिपोर्ट में आप हमारे साथ बने रहिए। तो क्या स्थिति है आप लोग का? स्थिति हम लोग का बहुत से एकदम धीमी गति, बहुत नॉर्मल से चल रहा है। आज से 30 साल पहले 40 साल पहले जो हम लोग का जो रोजगार पाती चलता था वो सब लोग अच्छा थे, खाते कमाते थे, अच्छा थे। लेकिन अब तो ऐसा दिन प्रतिदिन ऐसा स्तर आ चुका है, रोजगार हम लोग का ख़त्म हो चुका है। हम लोग इतना ही नहीं, खाने पीने एक तरह की बहुत तरद्दुत रहते हैं और ऐसा ऐसा हम लोग का फैशन चीज़ निकल गया कि सब लोग उसी को खरीद बिक्री करते हैं, मिट्टी का सामान का उपयोग नहीं करते हैं। इस पे हम लोग को बेरोजगारी और भूखमरी का बाल बच्चे साथ जीना बहुत मुसीबत से झेल रहे हैं। इसलिए मैं अपील करूँगा कि CMG से मैं अपील करूँगा कि हम लोग का प्रति ध्यान दें, कुम्हार प्रति पर ध्यान दें, और PM जी से भी मैं अपील करूँगा कि मैं कुम्हार के प्रतिनिधि एक बार ध्यान दें। बस देखिए, हमारे साथ कुछ और बुजुर्ग भी जुड़ेंगे जो अभी हमने खुद भी देखा और आपको भी हम दिखाने का अपने चैनल के माध्यम से प्रयास करेंगे कि वो इतने ज़्यादा उम्र के होने के बाद भी वो अपने हाथों से एक जोश के साथ वो वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन जिस जोश के साथ वो वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं उस जोश के साथ उनको उसकी आमदनी नहीं मिल पाती है। शिवचरण पंडित कितना उम्र हुआ आपका? 70 साल। 70 साल हो गया। अभी आप माटी के वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, अभी जो आप वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं, जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन सारी वस्तुओं का कीमत बढ़ते जा रहा है, आपका ट्रेन का भाड़ा बढ़ते जा रहा है, जो भी सामान आप खरीदते हैं मार्केट से उसका दाम बढ़ा, आपको जो मिट्टी का बर्तन आप निर्माण करते हैं उसका आपको सही कीमत मिलता है? नहीं मिलता है। अभी जो आप दिया निर्माण कर रहे हैं, जो बना रहे हैं अभी, वो 30 से 40 से ज़्यादा नहीं देता है कोई। 30-40 से ज़्यादा? पहले दीपावली में कितनी की कमाई हो जाती है? पहले थोड़ा कमाई हो जाता था 30-40 बरस पहले, लेकिन अब वैसा नहीं स्थिति हम लोग को बिगड़ गया। अच्छा, जनप्रतिनिधि यहाँ जो है वो ध्यान देते हैं? कभी आते हैं मिलने के लिए? कोई नहीं आते। लॉकडाउन में कुछ सेवा मिला था? कुछ नहीं मिला। मतलब यहाँ पर जो जीतने के बाद कोई नहीं आता? कोई नहीं आया। हम तो यही कहना चाहते हैं, हमारे जितने भी देशवासी है, चाइना सामान को जो है हटाइए और हम लोग के कुम्हार प्रजापति जो है उस सबके जो है रौनक बढ़ाइए। हमारा मिट्टी का जो दीपक है और सभी प्रकार का चीज़ है, कलश हुआ, जाके चतुर्दानी हुआ, इस सब के लोगों के खरीद करें हमारा चीज़, तब हम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर वही 30 साल चले जाएंगे। पिछले जाति में ही गिनती अब आने लग गए हैं क्योंकि हम लोग का कोई पोसाई नहीं पड़ता, हम लोग इतना खटते हैं सब परिवार मिल के, कोई सुविधा नहीं दिखता है हमको, मिट्टी भी खरीद के लाते हैं कोई पसा नहीं पड़ रहा है हमको, उसका कीमत भी नहीं मिलता है। कीमत नहीं मिल रहा है। कीमत जो ऐसे प्रतिदिन जो ऐसे नीचे होते जा रहा है, सब चाइना का सामान खरीदते हैं और सब लोग जैसे उसी को यूज कर रहे हैं, हम लोग का ध्यान नहीं दे रहा है कुम्हार लोग। देखिए, चाइना के साथ भारत का लगातार युद्ध होता रहा है और अब भी चाइना विरोध में ही कार्य करती है, फिर भी हम उसका जो भी सामग्री रहता है, चाइनी मेड इन चाइना का जो भी वस्तु रहता है, जो भी प्रोडक्ट रहता है, अभी भी भारत के बॉर्डर में आ रहा है और हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा कीमत पर दे के खरीदते हैं। मेरा कहना यही है अपने चैनल के माध्यम से कि आप खुद भी जागरूक होइए और लोगों को भी जागरूक कीजिए कि आप ज़्यादातर सामान कुम्हारों के द्वारा निर्मित वस्तुओं का प्रयोग करें और अपने साथ साथ उनकी भी दिवाली की सौंदर्यता को बढ़ाएं। नेशन न्यूज, कुमार हर्ष, जमुई।